वर्ल्ड कप 2023 में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। इस जीत से पूरा अफगानिस्तान रात भर जश्न मनाता रहा, जबकि पाकिस्तान में मातम छाया रहा। सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं। इन वीडियोस में पाकिस्तानी फैंस की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। एक वीडियो में एक छोटा फैन पाकिस्तान की हार पर यह कहते हुए फूट फूट कर रोने लगा कि पाकिस्तान टीम से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वीडियो में वह कहता है कि पाकिस्तान टीम से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन वह हार गए। यार इतना दुख होता है यार, पाकिस्तान हार गया। इसके बाद वह फूट फूट कर रोने लगा। एक अन्य वीडियो में एक फैन पाकिस्तान टीम की जर्सी को फोल्ड करके अलमारी में रखता है और फिर सदमे से बदहवस होकर जमीन में बैठ जाता है। इसी तरह से एक वीडियो में पाकिस्तानी फैन कहता दिख रहा है कि भारत से हार बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अफगानिस्तान से नहीं। वह कहता है पाकिस्तान ने बहुत मायूस किया है। बता दें कि वनडे इंटरनेशनल के इतिहास में अफगानिस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ पहली जीत थी। अफगानिस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ इस जीत के बाद बाबर आजम एंड कंपनी का सेमीफाइनल का रास्ता काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान की हार के समय कमेंट्री बॉक्स में मैथ्यू हेडन, वकार यूनिस और मांगवा मौजूद थे। अफगानिस्तान की जीत पर जब मांगवा कमेंट्री में व्यस्त थे, तब वकार यूनिस का चेहरा एकदम से मुरझा गया था। वकार यूनिस का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि वह एकदम से रो देंगे। पाकिस्तान के इस हार के बाद तमाम पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने काफी तीखी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने तो फिटनेस को लेकर पाकिस्तान की जमकर बैंड बजाई है। बता दें कि अफगानिस्तान के सामने 283 रनों का लक्ष्य था। रहमानुल्लाह गुरवाज ने 53 गेंदों पर 65 रन और इब्राहिम जादरन ने 113 गेंद पर 87 रनों की पारी खेली। इस सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 130 रन जोड़कर अफगानिस्तान को शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद रहमत शाह ने 84 गेंद पर नवाज 77 रन और कप्तान हशमतुल्ला शाहिदी ने 45 गेंद पर नवाज 48 रन बनाकर तीसरे विकेट के लिए 86 रन की अटूट साझेदारी की, जिससे अफगानिस्तान ने 49 ओवर में सिर्फ 2 विकेट पर ही 286 रन बनाकर जीत दर्ज की। तो दोस्तों, पाकिस्तान की इस हार पर आप भी अपना रिएक्शन कमेंट में जरूर दीजिए और ऐसे ही अमेजिंग क्रिकेट अपडेट्स के लिए बाबा क्रिकेट अड्डा को अभी सब्सक्राइब करें।